आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर वेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। इस धरती और इसके क्लाइमेट से जुड़ा ऐसा पॉडकास्ट जहां आप जानेंगे हाउ टू लिव सस्टेनेबली एंड सेंसिबली। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। भारत में 2019 से लेकर 2021 के बीच 108 लोगों की मौत बाघ के हमले में हुई है। इसमें भी सबसे ज्यादा 56 मौतें महाराष्ट्र में हुई। 4 अप्रैल 2022 में यह आंकड़ा केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में रखा था। उन्होंने सरकार के उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का भी जिक्र किया था जिनके आधार पर बाघों और इंसानों के संघर्ष को कम करने की कोशिश की गई थी। सरकार के इन आंकड़ों में भी दिखाई दिया कि 2019 में जहां 50 लोगों की बाघ के हमले में मौत हुई थी और यह आंकड़ा 2021 के साल में आते आते सिर्फ 14 रह गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू यह है कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में बाघों की मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2021 के दौरान देश में 126 बाघों की मौत हुई। यह आंकड़ा बीते एक दशक में सबसे ज्यादा है। भले ही बाघ को लेकर इंसानों में खौफ रहता हो, लेकिन तस्वीर यह है कि इंसान बाघों पर भारी पड़ रहा है। वैसे भी बाघों के संरक्षण के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों का अक्सर यह कहना होता है कि कोई भी बाघ कभी भी इंसान पर हमला नहीं करता। इंसान के सामने आने पर बाघ भागने की कोशिश करता है। इंसानों पर बाघ के ज्यादातर हमले एक्सीडेंटल होते हैं। उनका मानना है कि बाघ आवाज सुनकर महसूस करता है कि वहां कोई जानवर है और वो शिकार के लिए धोखे से इंसान पर हमला कर देता है। खैर, बाघ जैसे बड़े और खतरनाक जानवर के हमले में बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोग बच जाएं, पर जो बच जाते हैं वो खुशकिस्मत तो हैं ही, और उनके पास ताज जिंदगी बताने को होता है एक किस्सा। तो इस बार आपको एक टाइगर अटैक सर्वाइवर से ही मिलवाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और ये है अर्थशास्त्र। तो आज मेरे साथ अर्थशास्त्र में मौजूद हैं घनश्याम प्रसाद यादव। घनश्याम प्रसाद यादव खटिया गांव के रहने वाले हैं और इस वक्त मैं उनके घर में ही मौजूद हूँ। कान्हा टाइगर रिजर्व से लगता हुआ गांव है खटिया और यहाँ पर टाइगर की साइट सीइंग बहुत कॉमन है। अक्सर लोगों को टाइगर दिख जाता है और घनश्याम प्रसाद यादव को 2013 में टाइगर ने शिकार बनाने की कोशिश की थी और उन पर हमला हुआ था टाइगर का। तो इनसे हम उनके अनुभव जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका अर्थशास्त्र में। पहले तो आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि क्या करते हैं आप? सर, मजदूरी मैंने अभी फ्री हाल में, जब से टाइगर मारा है जब से मैं कोई काम धाम नहीं कर पाता। आँख से भी कमजोर, पैर से भी कमजोर हो गया। आप वृद्ध भी हैं, काफ़ी उम्र हो गई। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 सर। 70 ईयर्स हो गई है। अभी मजदूरी कर रहे हैं अभी आप? नहीं सर, कुछ भी अभी कुछ भी नहीं कर पाते नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा, तो 2013 में आपको टाइगर ने शिकार बनाया जी। तो थोड़ा किस्सा बताइए, किस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ? क्या हुआ था सर, मवेशी चराने गया था मैं। मवेशी सामने थी, बीच में मैं था, पीछे टाइगर। मैं नहीं देखा टाइगर को, अगर टाइगर को देखता तो वहाँ क्यों जाता। तो मैं बीच में खड़ा था, इधर उत्तर की ओर मुँह करके। कहाँ जाते हैं आप मवेशी चराने? जी यहाँ पे नाला। अच्छा, नाला कितना दूर है आपके घर? ज़्यादा ज़्यादा 1 किलोमीटर। अच्छा, बस तो वहाँ पे जाके मैं मवेशी देखने लगा। तो घास चर रही थी, अब उसके आवाज़ में सुना। कितने बजे का वक्त रहा होगा? जी 2:30 बजे का है सर। दोपहर 2:30 बजे का वक्त रहा। करेक्ट 2:30 बजे, 2:30 के लगभग। फिर तो उसकी आवाज़ से शायद मवेशी भाग गई होंगी। तो मैं सोचा कि ये सरपंच की मोटरसाइकिल है, किनारे में सरपंच का घर ही थे नीचे में। तो वो भूल में रह गया मैं। फिर ऊपर से उधर से फिर ये रायपुर के लिए जो हवाई जहाज जाती है जी, अपने जबलपुर के लिए का नागपुर कहाँ जाती है, तो मैं उसको देखते रहे ऐसे देखते देखते। एकदम से पीछे लौटा तो उन्हें पूरा पोजीशन बना के बैठा था। एक चिड़ी का गटा था, एक छोला का इतना बड़ा झाड़ था। कितना बड़ा रहा होगा टाइगर? टाइगर बहुत बड़ा था सर। मैंने उस समय बैठा था तो समझो कि मेरे इतने
रहा होगा, मतलब आपके जो है कंधे तक सीने। हाँ, कंधे तक समझो। तो उसने पीछे से मेरे को अटैक किया, तो मैं झुक गया। जब से पैर मेरा नाजुक हो गया है, अच्छा। तो इसी पैर के बल गिरे आप। जी, तो मेरे पास से छड़ी थी, तो मैं अब मैं कहा तो जा ही रहा हूँ मैं। कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी लेकर नहीं गए थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं थी। अच्छा। एक मच्छरदानी जो अपन लगाते हैं घर में, वो वाली छड़ी थी मेरे पास। तो वो छड़ी से उठा के जो घुमा के मारा, आप कौन सी जगह लगा उसको ये मैं नहीं जानता। हाँ, तो वो और हमलावर हो के आपके ऊपर नहीं हुआ? फिर उसने ये पंजा जो था ना, ये पंजा यहाँ था उसका, और ये पंजा पसली में था, सिर पर। हाँ, सिर पे, सिर पे था उसका जो, और एक पसली में। हाँ, और जो उसका मुंह था तो मेरे यहाँ तक था, टाइगर का, मतलब बराबर आ गया आपके बिल्कुल माथे तक, पूरे माथे तक में उसका वो जो जी है ना, तो माने मेरे यहाँ था। गर्दन उसकी आपके, गर्दन मेरे पीछे, गर्दन पीछे के, हाँ जी, और आपके मतलब पूरे बराबर आ गया था वो, और एक पंजा आपके सिर पे था, सिर और था। एक पंजा आपकी पसलियों पे था, कंधे के नीचे जी। तो नाखून गड़ गए थे आपको? हाँ, हाँ जी, नाखून इसमें 8 टांके लगे हैं, सिर में आपके 8 टांके आए हैं, 8 टांके आए हैं यहाँ पे अपने क्या बोलते मंडला में हॉस्पिटल में। कैसे पहुंचे आप फिर वहां तक? वहां तक सर जिप्सी थी। तो जब आपको इतनी जोर से हमला करने के बाद घायल कर दिया टाइगर ने, तो आप होश में थे? हाँ, उस समय होश में था मैं, होश में थे, नहीं घबराहट नहीं थी मेरे को। अच्छा। बाजू में मवेशी थी, अब उसको मैं भागते देख रहा हूँ, ऐसे बंदर जैसे वो चाटी जा रहा था वो, मैं देखते रहा, और फिर मैं सोचा कि अब भागना चाहिए मेरे को, मवेशी है। अब मेरे, मुझे ये मालूम नहीं कि मेरे को मारा कि नहीं मारा, पर चोट रही। तो जब जाके एक बेला था ऐसा, तो बेला में मेरा पैर रड़बड़ा गया। बेला क्या होता है? ये जो बेल होती है। अच्छा, बेल जो पेड़ पर चलती है बेल, उसमें आपका पैर बित गया? हाँ, पैर बित गया। तो जाके मैं गिर गए, गिरा नहीं पूरा, फिर भी संभल के उठा और जाके तालाब के किनारे मवेशी खड़ी थी वहाँ खड़ा हुआ। मवेशी सकेर, जब मैं देखा कि तालाब किनारे से शेर भाग रहा, देख लिया उसको भी, देख लिया मैं। मतलब उस, वो शिकार सिर्फ डर के उसने आपके ऊपर हमला किया, वो खाने के उद्देश्य से नहीं आया था मतलब? अब सर उसकी इच्छा अब कैसी रही, उसको ऊपर ही वाले ज्यादा, मैं तो बोल ही नहीं सकता। गनीमत है आप उस हादसे में बच गए। फिर अच्छा, जब आप आ गए अपने मवेशी के पास, खड़े हो गए, और खड़े हो गए मवेशी को अलग किया, और जब मैं अपना चेहरा देखा सामने टाबिल थी एक, टाबिल में पूरा खूना खून मेरा। जब मेरे को घबराहट आई कि अरे मेरे को ऊपर तो हमला है जी, माने काटा है मेरे को, तो मैं वहाँ से मवेशी को भी छोड़ दिया और सीधे गांव के लिए। बेहोश हो गए आप रास्ते में? हाँ, रास्ता में आया, अब पूरा गला सूख गया मेरा, चिल्लाते चिल्लाते आया। लोग बाग ने पानी लाए मेरे लिए, दोनों में, पत्ते के दोने में नाले से, तो कितना दूर पहुँचेगा वो पानी। फिर बाटल में पानी आया गाँव से, तब पानी पिया, उतना में मेरा भनेज। ये खटिया गाँव रहा होगा? क्योंकि हाँ, ये खटिया गाँव था। तो बलराम यादव गाड़ी लेके गया। बलराम यादव कौन है? मेरा भनेज है। अच्छा, आपके भनेज हैं जी। उनको सूचना दे दी गांव वालों ने? गांव वालों ने सूचना दी, मेरी फैमिली भी पहुंच गई, बच्ची भी पहुंच गई। उस समय काम करने जाते थे भटनागर में, तो नहीं गए। उस समय हाफ डे था, माने हाफ टाइम की छुट्टी हुई थी उनकी, तो फिर उधर भी नहीं गए। तो फिर वहाँ से मेरे को जिप्सी में लाए बफर जोन। बफर जोन में मैडम थी, मैडम ने उठा के मेरे को मंडला शिफ्ट कर दिया। मंडला शिफ्ट नहीं की, फिर थाने लेके आए। थाने लेके आए? हाँ, थाना में मेरे से सब पूछे। हाँ, पहले आपको फर्स्ट एड दिया, उसके बाद फिर थाने लेके आए होंगे? हाँ, वहाँ से मैं फिर आई बफर जोन से गाड़ी, गाड़ी वालों ने उठा के फिर मेरे को ले गए कहाँ, मंडला। मंडला ले गए, मंडला में हॉस्पिटल हुसैन डॉक्टर अभी है मंडला में, हुसैन डॉक्टर, फिर उन्हें इलाज किया, को बोले इसको रेफर कर दो जबलपुर। जबलपुर तो 1 बजे करीब रात में जबलपुर पहुंचे। उस समय मेरी हालत गंभीर थी। कितने दिन चला इलाज? इलाज मेरे को करीब है 1 हफ्ता से ऊपर। तो अभी आपकी क्या स्थिति है? अभी पसलियों में दर्द रहता है? हाँ, दर्द रहता है सर, इनमें दर्द है, पैरों में दर्द है, और सिर में आपके टांके मुझे दिख रहे हैं, टांकों के निशान बने हुए हैं आपके। हाँ, हाँ जी, ये यहाँ से है ये पूरा, और अभी कहीं कहीं धागा भी होगा इसमें, ये यहाँ ठीक है देखेंगे। अच्छा जी, मैं अभी घनश्याम जी के सिर के पीछे बिल्कुल हिस्से में छू के देख पा रहा हूँ, और मुझे कुछ
टांके का एक धागा सा समझ में भी आ रहा है। तो आपको अभी रेगुलर चेकअप के लिए क्या जाना पड़ता है कभी? नहीं सर, अब उस समय से फॉरेस्ट वाले ने कोई बुझ मिली नहीं की। नहीं की? नहीं की। अच्छा, घायल जब आप हुए तो आपको क्या कोई मदद की? मदद इतना हुआ मेरे से कि वहाँ पे इलाज कराए, मेरे पास थी गरीबी रेखा की कार्ड, उस कार्ड के बदौलत मेरी इलाज हुई वहाँ पे। मैंने दवाई गोली का पैसा मेरे को नहीं लगा। हाँ। दूध पानी है जो तुम्हारे जो मिलता है वहाँ पे, तो बस वो खाया। और कोई आर्थिक मदद? आर्थिक मदद मेरे को क्या किए थे कि मेरे साथ फैमिली थी, एक बच्चा था, तो अब जो मदद कहो ना कहो, तो मेरे को 16,000 रुपये उन्होंने दिया था। 16,000 रुपये? वो भी एक साल के बाद। एक साल के बाद 16,000 में फैमिली भी मेरे साथ रही, मेरी सेवा जापता सब कुछ की, तो माने उसकी हाजिरी समझो, पर मेरे को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। और बल्कि मैडम ने मेरे को बोली थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो करूँगा कि सिपाही आया था मेरे पास कि आपकी फैमिली को काम में पहुँचा दो, उसकी हाजिरी हम देंगे। पर मैंने मना किया कि अभी मैं जिंदा हूँ, मैं फैमिली को नहीं पहुँचाता, ये यहाँ रास्ते से मैं लौटा दिया था। अच्छा। अभी यकीन नहीं तो फैमिली सामने खड़ी है। कौन कौन है आपके परिवार में? दो बच्चे हैं, एक पवन नाम का, एक संतोष कुमार, और दो बच्ची हैं, तो दोनों की शादी हो चुकी है सर। तो पवन अभी मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी सर, पवन मजदूरी करते हैं। तो अब आप नहीं कर पाते हैं मजदूरी में, आपकी उम्र भी काफ़ी हो चली है जी। तो आप क्या लगता है कि अगर टाइगर ने शिकार ना बनाया होता तो अभी और कितना काम करते? सर देखो, जीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि कोई कह के भाई मेरा थैला वहाँ से वहाँ उठा के रख दो, तो मैं उठाऊँगा, तो आपकी दया होगी तो दो पैसा मेरे को ज़रूर देंगे आप। अभी अभिलाषा है कि मैं करूँ काम, लेकिन पैर के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी कुक था। अच्छा। बॉम्बे में रहा, पचमढ़ी में रहा। पचमढ़ी में कैसे कर रहे हैं आप? पचमढ़ी में सर मैं खालसा होटल है, खालसा होटल में 6 साल रहा हूँ। किस जगह था पचमढ़ी में ये? ये अपने बिल्कुल मिलिट्री के जो पुल है ना। हाँ पुल है मिलिट्री के, या ये साइड में। पचमढ़ी में मैं 15 दिन रहा हूँ। 15 दिन रहे हो? खालसा होटल सुने होंगे, पचमढ़ी होटल है। चर्च है आगे? बिल्कुल नहीं, चर्च तो बहुत आगे है ना। हाँ चर्च है आगे, मिलिट्री होटल से आप आगे जाएंगे। हाँ, चर्च सीधे सीधा। हाँ सीधे चले जाइए तो चर्च भी है। चर्च है माने जी हाथ में। अच्छा, तो कितने साल काम किया आपने? वहाँ 6 साल किया सर। 6 साल काम किया जी। अच्छा। कुकिंग का काम वहाँ सीखा मैं, यहाँ सभी ढाबों में मैं काम किया, ढाबे से रिसोर्टों में, सारे रिसोर्ट माने मैं काम कर चुका। लेकिन अब स्थिति ये आ गई, ये नस खिसने से आँख में कुछ कमजोरियाँ, आँख में भी अभी रात को मेरे को नहीं दिखता, दिन में काफ़ी दूर में देख लेता हूँ जी। तो यही है कि अब अभी दोपहर में जब मैं आपके पास आया था, आपके घर पे आया था, तो उस समय आप नहीं थे जी। बता, आप काम पे गए भी? कहाँ काम, क्या कुछ नहीं? कोई काम में नहीं गया। अच्छा। था मैं पड़ोस में, जैसे वो मोहल्ला गया, मैं सरपंच के यहाँ गया था। अच्छा। और अध्यक्ष महोदय जी हैं तो उनके यहाँ बैठा था, वहाँ से आके फिर ग्राम पंचायत में बैठा हूँ। ये अपना घर दूर के बारे में सर, ये घर की हालत मेरी ख़राब है और अभी तक मेरा कोई पैसा नहीं आया ना कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको नहीं घर नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। तो वही चर्चा के लिए मैं ग्राम पंचायत में बैठा था। अब लोगों के आ रहे हैं तो भाई अभी तक तो हमारे 1958 से सर यहाँ पे मैं बैठा हूँ, 1958 के ही में रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहते हैं, ये पहली बार था आपका? हाँ, टाइगर से आमना सामना? हाँ। इससे पहले आपने कहीं दूर से आते जाते कहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पहली बार है ये। पहली बार था और पहली बार में ही आपको शिकार बना लिया जी सर। लेकिन गनीमत रही भगवान की कि आप, बस आप लोगों की दुआ रही कि आप बच गए। अच्छा है। और मैं काफ़ी खुश थे आपके पास पहुंचा जी। मैंने पहले इको सेंटर गया, वहां पर वन अधिकारी से बात की तो आपका पता मिला जी। फिर आपके पास आया मैं सर। मैं गवर्नमेंट से मैं यही कहूँगी कि उसको गेट में अगर चौकीदारी मिलती है मेरे को, तो गेट खोलना बंद करना इतना तो मैं कर सकता हूँ। मैं 8वीं पास हूँ तो आप इतना चाहता हूँ कम से कम ये अवस्था में मेरे को कुछ ना कुछ तो काम दिलवा देते तो बहुत अच्छी बात थी। थोड़ा परिवार की आर्थिक मदद, परिवार की आर्थिक, क्योंकि सहारा मेरा कोई नहीं है, सब लड़के बच्चे सब मेरे अलग हैं, खाली मैं और माताराम हैं। माताराम की भी स्थिति अब देख रहे हो आप, वो भी वृद्ध हो गई जी।
तो घनश्याम जी, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहूंगा कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे जो आप मांग कर रहे हैं। जी सर। और ईश्वर की दया है कि आप उस हादसे में बच गए, इतने गंभीर हादसे के बाद। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपको आगे की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार अर्थशास्त्र का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कीजिएगा। अर्थशास्त्र को आप अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, गाना, विंक, इन सभी जगहों पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।